आज हम वो रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे जो सर्दियों की सौगात है और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है इसे बच्चे तो बच्चे बड़े भी बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं निर्मला मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मुरमरा यानी लाई और साथ में गुड़ ले लिया है तो ये दो बड़े साइज के पीस गुड़ के हैं लेकिन गुड़ को हम काट करके लेंगे ताकि मुरमुरा और लाई का मैं परफेक्ट रेशियो आपको बता पाऊँ तो यहाँ पर गुड़ को हम बारीक काट लेंगे तो इसे पिघलाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा अब लगभग ये 250 ग्राम गुड़ है और 250 ग्राम ही हमें लाई यानी मुमुरा लेना है लेकिन जो गुड़ होता है वो वज़न में भारी होता है और जो लाई होती है वो लाइट वेट होती है तो इस कटोरी को हम गुड़ से भर लेंगे तो इस तरह काट करके भरेंगे ना तो माप लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा तो बस इस कटोरी को माप कर मैंने गुड़ ले लिया है अब गैस पर एक पैन चढ़ा देंगे और जो लाई हमने ली है सेम कटोरी जो गुड़ की ली थी उसी कटोरी को माप कर अब ये लाई ले, ले लेंगे तो हम रखेंगे तीन बाई वन का रेशो तो एक कटोरी हमने गुड़ लिया है तो हम तीन कटोरी ये मुरमुरा ले लेंगे अब ये जो मुरमरा है इसे हमें थोड़ा सा सेकना होगा सेकने से ये काफी क्रिस्पी हो जाएगा इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो जो चिक्की बनेगी वो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेगी चार से पाँच मिनट लो फ्लेम पर सेकने के बाद जब इसे तोड़कर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बन जाएगा तो बस अब ये रेडी है तो इसे एक प्लेट में निकाल कर हम साइड में कर देते हैं अब चिक्की को सेट करने के लिए एक बटर पेपर को मैं से ग्रेस करके ले रही हूँ आपके पास बटर पेपर नहीं है तो फिर आप किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ करके घी से ग्रेस कर लें तो उस पर भी चिक्की सेट की जा सकती है अब फिर से मैंने पैन लिया है और इसके अंदर एक चम्मच घी डालकर इसे मेल्ट कर लेते हैं फिर इसमें गुड़ डालेंगे और गुड़ को भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है और लो फ्लेम पर धीरे धीरे लगातार चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करना है ताकि गुड़ जल्दी से जले भी नहीं और अच्छे से पिघल जाए यहाँ पर पानी डालने की गलती बिल्कुल नहीं करना है यदि आप पानी डाल देंगे तो चिक्की है वो खाते समय दांतों में चिपकेगी और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होगी रेसिपी देखते देखते फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताएं और यदि ऐसी और भी रेसिपीज़ आप मेरे द्वारा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो बेल आइकन का बटन दिया गया है उसे प्रेस जरूर करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और यहाँ पर देखिए गुड़ भी बढ़िया से मेल्ट हो गया है तो अब बारी आती है इसे चेक करने की गुड़ जब मेल्ट हो जाएगा तो बस दो से तीन मिनट के अंदर ही इसकी परफेक्ट चाशनी बनकर के तैयार हो जाएगी अब जब हम गुड़ की चाशनी को पानी के अंदर ऐसे गिरा कर देख रहे हैं तो चाशनी गिराते समय एक जगह इकट्ठी हो गई है और फिर इसके ऐसे गोली बना लेते हैं अभी ये काफ़ी सॉफ्ट है तो आराम से इसकी गोली भी बन गई है और जब कटोरी में इसे ऐसे गिरा रहे हैं तो इसमें भारीपन की आवाज़ भी आ रही है और अभी इसे तोड़कर भी देख लेते हैं तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही है इसमें तार बन रहा है यानी इस चाशनी को थोड़ी देर हमें और पकाना होगा तो परफेक्ट चाशनी बनाने के लिए इस तरह से चाशनी को चेक करना बहुत ही जरूरी है अब जैसे जैसे हम गुड़ को थोड़ी देर और पकाएंगे तो इसका कलर भी डार्क हो जाएगा तो यहाँ पर गुड़ की चाशनी को फिर से हम पानी में ही चेक करेंगे तो अब आप देखिए ये एक जगह इकट्ठे नहीं हो रही है जबकि जैसे जैसे मैं चाशनी को गिराते जा रही हूँ वैसे वैसे ही ये तारों के रूप में ऐसे सेट हो गई है और देखिए इसकी गोली भी बिल्कुल नहीं बन रही है क्योंकि ये काफ़ी क्रिस्पी हो गई है तो आसानी से ये टूट भी रही है तो खस्ता चिक्की बनाने के लिए हमेशा इस तरह की चाशनी बनाना बहुत ही जरूरी है देखिए ने आसानी से ये क्रिस्पी हो गई है और इसके तार से बन गए हैं तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ इससे चिक्की का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब दो चुटकी हम इसमें खाने वाला सोडा भी ऐड कर देंगे तो इससे चिक्की होती है वो लंबे समय तक ऐसे ही क्रिस्पी बनी रहती है साथ ही जो गुड़ हमने लिया है उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है अब हम ये मुर्मुरा यानी लाई डाल देंगे और बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे अभी तक गैस का फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया है यदि आपकी लाई गर्म है तब तो गुड़ के अंदर काफ़ी आसानी से ये मिक्स हो जाएगी यदि लाई ठंडी हो गई है चाशनी में ये बढ़िया से मिक्स नहीं हो रही है तो कुछ सेकंड के लिए आप गैस का फ्लेम ऑन कर सकते हैं लेकिन इसे ज़्यादा ना पकाए नहीं तो चिक्की में कड़वा बनाने लग जाएगा बस बढ़िया से गुड़ में ये लाई है वो कोट हो गई है तो फटाफट से बटर पेपर पर हम इसे पलट लेते हैं और अब फटाफट से ही इसे सेट कर लेते हैं तो अभी ये गर्म है और गरम-गरम में ही इसे सेट करना है क्योंकि एक बार यदि ये सेट हो गई तो फिर उसी शेप में ही रह जाएगी एक बेलन को मैंने घी से ग्रेस कर लिया है ताकि ऊपर से भी हम इसे बढ़िया से सेट कर पाएँ तो ये देखिए कितनी सेट हो गई है जैसे ही मैंने इसे डाला है क्योंकि ठंड के मौसम में तो वैसे ही चिक्की बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है थोड़ा सा पिस्ता भी मैंने इसके ऊपर गार्निश कर लिया है और अब फटाफट से मैं इसे काट लेती हूँ जब हम इसे सेट होने से पहले ही काटते हैं तो बहुत ही आसानी से ये कट जाती है तो देखिए जैसे जैसे अब मैं इसे काटते जा रही हूँ वैसे वैसे चिक्की सेट होती जा रही है और इसमें और भी अच्छी क्रिस्पीनेस आ रही है और ये देखिए अब इसे हम छोटे पीसेस में भी काट लेते हैं देखिए कितनी आसानी से ये कट रही है बहुत ही अच्छी क्रिस्पी चिक्की बन के तैयार हुई है तो बस सारी चिक्की को मैं इसी तरह से काट रही हूँ और जैसे जैसे ये ठंडी होती जा रही है वैसे वैसे ये अब कट टने में काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो गई है और लीजिए सारी चिक्की मैंने इसी तरह से काट करके तैयार कर ली है तो थोड़े से गुड़ और लाई के साथ हमने ढेर सारी चिक्की बना करके तैयार कर ली है और ये देखिए इसका क्रिस्पीनेस है ना कितनी ज्यादा क्रिस्पी ना ही ये खाते समय हाथों के चिपकेगी और ना ही दांतों के चिपकेगी तो लगेगी ना कितनी ज़्यादा मज़ेदार तो इसे बनाना भी बहुत है आसान और इस तरह से बनाकर आप लंबे समय तक इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं तो आप भी ये विंटर स्पेशल मुरमरा चिक्की जरूर बनाएं। मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय